हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगी बहुत ही कम कपड़े में आप फुल गियर प्लाजो किस तरह से बना सकते हो। वो बनाना आज मैं आपको इस वीडियो में सिखाऊंगी बहुत ही आसान तरीके से। और ये इलास्टिक वाला प्लाजो रहेगा, इसमें हम पूरी बेल्ट में इलास्टिक डालेंगे। बहुत ही इजी इसकी स्टिचिंग भी होती है इस प्लाजो की। अभी हम इसकी कटिंग करनी स्टार्ट करते हैं। पहले हमने ये 3 इंच हमने यहाँ पे एक निशान लगा लेना है 3 इंच का, और 3 इंच का ही निशान हमने इस तरफ भी लगा लेना है। यहाँ पे 3 इंच का निशान जहाँ तक लगा लेंगे हम, इस तरह से हमने ये 3 इंच ऊपर से छोड़ लेना है। इसके बाद हमने यहाँ से लेंथ नापनी है इसकी, कि हमें कितनी लेंथ चाहिए इसकी, ये हमने रखनी है। हमें इसकी लेंथ 39 इंच जो है तैयार रखेंगे। ये देखिए, यहाँ से हमने ये बेल्ट का कपड़ा हो गया है, और नीचे हमने यहाँ से लेंथ नापनी है। जैसे कि 39 इंच इसकी मैं तैयार रखूँगी लेंथ, तो 39 इंच पे यहाँ तक हमने निशान लगा लेना है। और जो नीचे ये फोल्ड करने के लिए हमने कपड़ा छोड़ लेना है यहाँ पे, इस तरह से ये निशान लगा लेना है हमने। और अभी हमने यहाँ से हिप का नाप रख के, यहाँ से हम अपनी हिप का नाप रखेंगे। अगर आपके 40 इंच है तो आपने 10 इंच का यहाँ पे इसका 40 का जो चौथा भाग है वो हमने रखना है। जहाँ से 40 इंच का 10 इंच रख रही हूँ मैं। और इसके बाद हमने 2 इंच एक्स्ट्रा रख लेना है यहाँ पे, 10 इंच और 2 इंच एक्स्ट्रा हमने रख लिया है। और अभी जहाँ से हमने आसन का नाप रखना है, ये 12 इंच रख रही हूँ मैं। यहाँ से हमने ये आसन का नाप रख लिया है। अभी यहाँ से हमने थाइस का निशान लगाना है। ये 13.5 इंच में यहाँ पे थाइस का निशान लगा रही हूँ, और थोड़ा हम मार्जिन रख लेंगे यहाँ पे, 1.5 से 2 इंच का हमने यहाँ से मार्जिन रख लिया है। और यहाँ से हमने इस तरह से काट डालनी है। इसके बाद हमने नीचे से पोंचा रखना है, यहाँ से कितना भी आपने पोंचा तैयार रखना है। ये 13 इंच मैं तैयार रखूंगी, और जहाँ पे हम 1.5 इंच का इस तरह से मार्जिन रख लेंगे। इस निशान को हमने इस तरह से मिला देना है। ये देखिए, ये वाली इसकी मार्किंग हो गई है। अभी हम इसकी कटिंग कर लेंगे। यहाँ से अभी हमने सीधी कटिंग कर लेनी है। यहाँ से कटिंग नहीं करेंगे, क्योंकि हमने इलास्टिक डालना है, तो हमने इसको बीच में ही फोल्ड कर लेना है। तो इस तरह से हमने यहाँ से सीधा कटिंग कर लेनी है। तो ये देखिए, ये हमारे प्लाजो की जो है कटिंग हो चुकी है। इस तरह से हम अपने प्लाजो की कटिंग कर सकते हैं।